सारा भाई वर्सेस सारा भाई का सीजन 1 तो सुपर डुपर हिट था, मगर जब इसका सीजन 2 आया तब वह बुरी तरह से क्यों पिट गया। क्या शो के मेकर्स ने कोई गलतियां करी थी या फिर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जैसे व्यूअर्स ही जिम्मेदार है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों सारा भाई वर्सेस सारा भाई की कास्टिंग नवंबर 2004 से लेकर सितंबर 2006 तक की गई थी और इस दौरान इसके करीब 70 एपिसोड्स ही आए थे। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत ही हैरानी की बात यह है कि आखिर जब साल 2006 की शुरुआत में ये शो पॉपुलैरिटी पकड़ रहा था तब इसे साल 2006 के बीच में ही बंद कर दिया गया, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा अजीब बात थी। जब ये शो बंद हो गया उसके बाद एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई की स्क्रीन राइटर आतिश कपाड़िया इसके सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं। मगर होता यह है कि इसका सीजन 2 सीजन 1 के बंद होने के करीब 11 साल बाद हॉटस्टार पर लाया जाता है। अब वो कहते हैं ना कि इंसान को हर एक चीज एक समय के अंदर ही पसंद होती है और वो समय बीत जाने के बाद उसे उस चीज से अट्रैक्शन नहीं होता, और ठीक ऐसे ही कुछ सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीजन 2 के साथ भी हुआ। क्योंकि इसके सीजन 2 को जब लॉन्च किया जा रहा था तब सभी को इससे बहुत सी उम्मीदें थी कि ये सीरियल दोबारा से अपना नाम बनाएगा और सबके दिलों पर छा जाएगा, मगर असल में स्थिति इसके ऑपोजिट बनी, मतलब ये शो बुरी से पिट गई। अब एक तरफ जहां इसका सीजन 1 करीब करीब 2 साल तक चला और उसने करीब 70 एपिसोड्स दिए, तो वहीं पर सीजन 2 को सिर्फ 10 एपिसोड्स के बाद ही बंद करना पड़ा। अब अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए ना तो ये पता चलता है कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीजन 1 में राणा पाठक, राजेश कुमार, सतीश शाह, मल्लिका शेरावत, मंदिरा बेदी, रोहितास गौड़ और सुमित राघवन जैसे 2004 के कुछ सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज थे। और तो और सीजन 1 का थीम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली पर बेस्ड था। वहीं इसकी स्टोरी उस समय पर आने वाले सास बहू के सीरियल की तरह नहीं थी बल्कि एक यूनिक कॉमेडी पर बेस्ड थी। इतना ही नहीं, जब सीजन 1 बंद हुआ था ना वहाँ भी ये शो काफी चर्चे में था, जिसका फायदा उठाकर कई सारे चैनल्स ने इसके राइट्स को खरीद लिया और कुछ चैनल्स ने तो इसे डेली बेसिस पर ही रीरन कर दिया। और जितनी पॉपुलैरिटी शो को ऑल इंडिया रेडियो पर कास्ट होते हुए नहीं मिली थी उससे ज्यादा इस शो को रीरन करने के बाद इसे मिली। असल में हुआ क्या कि जब ये शो एयर होना बंद हो गया तो उसके बाद इंटरनेट पूरी तरह इनके डायलॉग और स्टिकर से भर दिए गए। Come on, Maya, don't cry. तुम जानती हो तुम रोती हो तो और भी अच्छी नहीं लगती। जिससे इसके सीजन 2 की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो फिर उस वक्त इसके सीजन 2 को रिलीज क्यों नहीं किया गया। वेल देखो, ऐसा नहीं है कि उस समय शो के डायरेक्टर ने इसका सीजन 2 लाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो कई बार ऐसा करने का ट्राई कर चुके थे। हालांकि इस बीच कहीं उन्हें घटिया स्क्रिप्ट्स के पीछे रुकना पड़ा तो कहीं पर उनके कास्टर्स के पीछे, जिसके चलते शो का सीजन 2 रिलीज होने में लेट हो गया। खैर, सारा भाई वर्सेस सारा भाई का सीजन 2 आया तो, लेकिन उसमें पुराने अंदाज वाले कोई भी बात नहीं थी, जिसको देखते हुए ना एक ही लाइन याद आती है, या तो समय रहते एक हीरो की तरह शहीद हो जाओ या फिर पूरी जिंदगी एक विलन की तरह रहो। वैसे इसके फेल होने के पीछे कोई एक कारण नहीं थी बल्कि कई सारे ऐसे कारण भी थे जिनको देखते हुए इसका सीजन 2 महज 10 एपिसोड्स के बाद ही रोक दिया गया। अब देखो, दूसरे कारणों की बात करें तो उनमें पहला था शो का सेट, क्योंकि जहां सीजन 1 में शो का सेट एकदम एक असली घर की तरह हुआ करता था जिसकी लाइटिंग प्रॉपर हुआ करती थी, तो वहीं अगर हम सीजन 2 के सेट पर नजर डालें तो वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब था, जिसमें ना ही लाइट्स प्रॉपर थी और ना ही कैरेक्टर स्टाइल। मतलब सीधे तौर पर कहे तो इसका सेट बहुत ही मेसी था, जो कंपैरिजन में सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीजन 1 के सेट के आसपास तक नहीं था। और तो और सीजन 1 में जहां कैरेक्टर्स का ड्रेसिंग स्टाइल क्लासिक था, तो वहीं सीजन 2 में इसे भी पूरी तरह से बदलकर फंकी टाइप का कर दिया गया था। अब दोस्तों, अगर सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 के डायलॉग्स और कॉमेडी को देखा जाए ना तो ये भी उसके आसपास नहीं थे, क्योंकि जहां सीजन 1 में बिना किसी सेंस के कॉमेडी हो जाती थी, तो वहीं सीजन 2 को एक वेब सीरीज की तरह लॉन्च किया गया, जिस कारण से इस शो में काफी ज्यादा अडल्ट ह्यूमर का उपयोग किया गया था। साथ ही साथ कुछ कुछ जगह पर तो फॉल लैंग्वेज तक भी उपयोग किए गए थे। अब शायद शो मेकर्स को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस शो को 16 साल की उम्र वाली ऑडियंस भी देखती थी, और जब इसमें फॉल लैंग्वेज और अडल्ट थीम का इस्तेमाल किया गया ना, तो जो बच्चे किस्म के ऑडियंस थे ना, उसने इस शो को देखना बंद कर दिया और लोगों ने इसी बात को क्रिटिसाइज करते हुए इसे काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज देना स्टार्ट कर दिया। सीजन 2 के फ्लॉप होने के पीछे फॉल लैंग्वेज
के साथ साथ कैरेक्टर्स का भी काफी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सीजन वन में कैरेक्टर्स का ड्रेसिंग स्टाइल क्लासिक हुआ करती थी और उनके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल बनी रहती थी, जबकि सीजन टू में कैरेक्टर्स फंकी ड्रेसेस में नजर आए और उनके चेहरे पर वो पहली वाली स्माइल भी नहीं थी, जिस कारण से लोगों ने साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन टू को बहुत कम पसंद किया और मजबूरी में इस शो को 10 एपिसोड्स के बाद ही रोकना पड़ गया। अब इन सभी चीजों के अलावा भी कुछ और ऐसे कारण थे जो इस शो के फ्लॉप होने की वजह बने थे। देखो दोस्तों, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि एक शो को हिट करवाने में उसकी ऑडियो और टेक्निकल एग्जीक्यूशन का अहम रोल होता है, मगर जब बात साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन टू की आती है ना, तब उसमें ना जाने कितनी ही सारी जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक में अजीबोगरीब ऑडियो लगाकर शो के टेक्निकल स्टाफ ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जबकि इसके सीजन वन के ऑडियो के साथ कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई थी। मतलब उसमें चीजों को नॉर्मल रखने की कोशिश की गई थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अपने आप से रिलेट कर सके। अब साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन टू को फेल कराने वाली गलतियां सिर्फ शो के अंदर ही नहीं थी बल्कि बाहर भी देखने को मिली थी। देखो, जब साल 2017 में वीवो आईपीएल का स्पॉन्सर बन अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा था ना और अपने अभिमान में डूबा हुआ था, तभी साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन टू में भी वीवो को मेन स्पॉन्सर बना दिया गया और फिर क्या था, हम सबको क्रूड स्पॉन्सरशिप का ऐसा तमाशा देखने को मिला कि जिसे देखकर सब हैरान हो गए। दरअसल वीवो की क्रूड स्पॉन्सरशिप के कारण से वीवो को लेकर सीजन टू में कई डायलॉग्स भी शो के बीच में बोलने पड़ गए, जैसे मनीषा अपने वीवो फोन का कैमरा निकालो। ये सारी चीजें हमारे लिए भले ही छोटी हो लेकिन एंटरटेनमेंट लेवल पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा ही कुछ साराभाई वर्सेस साराभाई के साथ भी हुआ, मतलब बीच में किसी ब्रांड का प्रमोशन करना उनको भारी पड़ गया। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब अगर सीजन टू के फेल होने की ओवरऑल रीजन की बात करें ना, तो इसके फ्लॉप होने का सबसे अच्छा कारण वही लोग हैं जिन्होंने इस शो से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी और हाइप का एक बहुत बड़ा बबल बना कर रखा था। खैर, जब ये शो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतरा तो उन्हीं लोगों ने इसे नेगेटिव रिव्यूज देकर सुपर डुपर फ्लॉप बना दिया। वहीं इस शो में लोगों को जिस नॉस्टैल्जिया की उम्मीद थी ना, वो परफेक्टली हिट ही नहीं हुई। अब अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद होती है कि हमारे बचपन से जुड़ी कोई चीज हमारे पास आ रही है और वो ठीक वैसे ही होगी जैसे कि बचपन में हुआ करती थी, ठीक ऐसा ही कुछ लोगों के मन में भी था जिन्होंने इसे 11 साल पहले देखा था। मतलब कि उन्होंने इसकी उम्मीद लगाकर रखी थी कि ये वैसा ही होगा जैसा उन्होंने पहले देखा था, पर जब ये शो वैसा नहीं निकला तो उन्होंने भी इसे नहीं देखा और ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों, क्या आपने भी साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 2 को देखा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि क्या आप इसके फैन थे या नहीं थे। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाला वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा। यहां पर क्लिक करो और जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।